अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू सरोसामा ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ 603 लेक्चर नंबर 31। आयलर मेथड क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया टेलर सीरीज मेथड क्या होता है। सिमिलरली उस मेथड की तरह इसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। इट इज़ यूज टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। टेलर सीरीज मेथड भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए था, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। देखिए, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आंसर के क्लोज जाएंगे। कहता अगर किसी भी कर्व की स्लोप जो चेंज कर रही है अनक्विकली, मतलब क्विकली चेंज नहीं कर रही, स्लोली चेंज कर रही है, देन दिस मेथड हमें ये मेथड रिजल्ट देगा, फेयर रिजल्ट देगा, एक्यूरेट गुड रिजल्ट देगा। और ये अप्लाई होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। सिंपल है। अब इसका एक फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जितने भी लेक्चर किए हम लोगों ने, जस्ट फार्मूला पे सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। सो वाई ऑफ एन इक्वल टू वाई ऑफ एन माइनस वन प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस वन कॉमा वाई ऑफ एन माइनस वन। यहाँ पे एच डिफरेंस है। सो फार्मूला याद हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। सपोज हमें आयलर मेथड अप्लाई करना है थ्री स्टेप्स के लिए, टू स्टेप्स के लिए। टू स्टेप के लिए अप्लाई करना है तो एन इक्वल टू टू, जहाँ जहाँ एन है वहाँ टू पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया वाई टू इक्वल टू वाई वन एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। ठीक है, अगर एच का साइज़ छोटा होगा तो हमारा आंसर एक्यूरेट होगा, मतलब डिफरेंस वैल्यूज़ का डिफरेंस छोटा होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्यूरेट होगा। कहता है आयलर मेथड या आयलर प्रोसेस को अप्लाई करो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। y की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बात हमेशा याद रहे, पीछे टेलर सीरीज में भी किया है, x बराबर x नोट के होता है, y बराबर y नोट के होता है, ये बात याद रखनी है। सो ये एक x नोट की वैल्यू है जो x की वैल्यू गिवन होती है। सो कोई भी इनिशियल पॉइंट्स हो सकते हैं ना, x नोट y नोट। सो एट x इक्वल टू y तीन स्टेप्स इस पे हमने अप्लाई करने हैं। h जो डिफरेंस है वो 0.1 है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x प्लस y, और इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। सो ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम लोग पढ़ के आए, ये x नोट होगा, ये y नोट होगा। क्वेश्चन में गिवन था dy dx f ऑफ x y के इक्वल है, लिख लिया x नोट y नोट गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन थी इस तरह से, ये x नोट है और ये y नोट है। सो फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं, इन पॉइंट्स को फंक्शन पे देखते हैं। सो हमारे पास आंसर आ गया 1। सो वैल्यूज़ का डिफरेंस h कितना था हमारे पास, 0.1 गिवन था, सो 0.1 लिखा। n इक्वल टू 1 के लिए फार्मूला y ऑफ 1 y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट f y नॉट, f ऑफ x नॉट y नॉट की वैल्यू लिखी, 0.1 h डिफरेंस लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, y नॉट गिवन था 1, आंसर आ गया। अब एफ ऑफ एक्स 1 तो गिवन था, अब फंक्शन पे तो इन दोनों पॉइंट्स को चेक करें, 1.2 आ गया। सिमिलरली वाई टू के लिए हम परफॉर्म करेंगे, सो एक्स टू हमारे पास आ गया 1.2। फर्स्ट हमने जो इनिशियल एक्स वन लिया है वो 0.1 लिया है, सो एक्स टू पे 1.2। ठीक है, ये एक्स टू की वैल्यू है। सो वाई टू वाई वन की वैल्यू लिखी 1.1, 0.1 h जो डिफरेंस गिवन था वो लिखा, और x ऑफ f ऑफ x1 x2 लिखा 1.2। सो y2 हमारे पास आ गया 1.22। अब हमने थ्री स्टेप्स करने थे, थर्ड स्टेप भी हमने, जब x3 इक्वल टू 1.22, ये x3 की हमें वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सो फंक्शन y3 y2 h f ऑफ y x2 y2, हमने क्या किया, वाई टू की वैल्यू लिखी, एच डिफरेंस लिखा, एफ ऑफ एक्स टू एंड वाई टू लिखा। सो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को किया प्लस, सो उसके बाद 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 1.12 हमारे पास आंसर, 3.74 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसको थ्री स्टेप से परफॉर्म किया है, सॉल्व किया है, y इक्वल टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल 3, y इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, जो फार्मूला गिवन था पीछे, उसमें पुट करके। और जो हमारे पास y2 की वैल्यू आई थी वो x3 था, एक पॉइंट था। जो y1 की आई थी वो x2 था, एक पॉइंट था। फर्स्टली हमने
एक्स वन जो लिया वो 0.1 लिया, जो कि एच था डिफरेंस था वो भी 0.1 था। सो ये प्रोसेस था, आयदर मेथड, सिंपल सा मेथड था ऐसा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन सिंपली आस्क, जस्ट फार्मूला बेसिक आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन मैंने क्विकली की है, होगा नहीं कि मिस्टेक हो। इन केस हो सकती है मिस्टेक तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ लग रहा है कि इनको प्लस करके ना कुछ आ सकता है। जस्ट हमें फार्मूले पे फोकस होना चाहिए जस्ट। सो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, रेंज गुटा मेथड। इसके लिए हमने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है पिछले मेथड की तरह। सो हमने 5 फार्मूले याद करने हैं। ये एक जनरल प्रोसेस है, जनरल मेथड है। हमारे पास पहले की तरह डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, पॉइंट्स गिवन होंगे, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट, पहले मैं बता चुका हूँ। सो कहता है अगर हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम क्या फाइंड करेंगे, वाई नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस के। अगर एक्स की फाइंड करनी है तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। हम कैलकुलेट करेंगे इन फार्मूलों की मदद से। सो ये 5-4 फार्मूले, ठीक है, और एक ये लास्ट वाला फार्मूला आप लोगों को आगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। के ऑफ वन कैसे फाइंड करना है, एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट गिवन होगा, एच गिवन होगा, फंक्शन भी गिवन होगा। के टू कैसे फाइंड करना है, एच एफ एक्स नॉट ऑफ प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस के वन बाई टू, एच ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस के टू बाई टू के थ्री है। देखें यहाँ पे के थ्री में के टू आ रहा है और के टू में के वन आ रहा है, ये याद रखना है। और लास्ट एच फोर है, के फोर है, एच ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू प्लस वाई नॉट प्लस के थ्री। सो फाइनली हमें यहाँ पे इस फार्मूले में ये केस की जो वैल्यू है रिप्लेस कर देंगे, 1/6 के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। ये फोर्थ सीरीज के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट में y इक्वल टू वाई नॉट प्लस के फाइंड करना है। ये 5 फार्मूले आपको आगे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एच गिवन होगा, x इक्वल टू एक्स नॉट, y इक्वल टू वाई नॉट गिवन होगा, फंक्शन गिवन है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की एक्स वाई, इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ वन इक्वल टू टू, एक्स नॉट गिवन है, वाई नॉट गिवन है। कहता है हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू 1.2 एंड 1.6 पे। सो हम रेंज गुटा मेथड अप्लाई करेंगे फोर्थ ऑर्डर फोर फार्मूले, यहाँ पे के फोर्थ तक है, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। थर्ड मेरे से मिस्टेक से लिखा गया, सो आपने फोकस नहीं करना। एक्स नॉट गिवन था, वाई नॉट गिवन था, इनिशियल कंडीशन इस तरह गिवन थी ना हमें, सो वन और टू गिवन था। एच वैल्यूज़ का डिफरेंस गिवन था 1.2, 4-1.2, ये दोनों गिवन थे ना, तो 0.4 का ही डिफरेंस है ना, ये पीछे गिवन था, मैं आपको दिखा दूँ। एक्स की वैल्यूज़ गिवन थी, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 0.4 का। वाई फाइंड करना है इस पॉइंट पे। सो हमने पहला फार्मूला लगाया एच ऑफ एफ एक्स नॉट वाई नॉट, फंक्शन क्या था एक्स वाई, सो एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, 0.8 आ गया। के टू का फार्मूला लगाया 0.4, एच की जगह फंक्शन में क्या था एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, अब एच को टू पे डिवाइड किया 0.2 आ गया, देन हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। के थ्री का फार्मूला लगाया, जस्ट मल्टीप्लीकेशन किए सिंपल, और के फोर भी सिमिलर लगाया। लास्ट में मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लोगे, फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर, यहाँ पर जितने केज हैं उनकी वैल्यूज रिप्लेस की, जो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। लास्ट में हमने फाइंड करना था वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी। अगर एक्स की करते तो एक्स नॉट प्लस एच करते, वाई की वैल्यू फाइंड करनी तो वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस के हमने कर देना है। वाई नॉट क्या है क्वेश्चन में गिवन है 2, के क्या है, इनको जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आएगा वाई की वैल्यू वही आ जाएगी। सो ये हमने डिस्कस किया आज आयलर मेथड क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और हमने डिस्कस किया रेंज क्यूटा मेथड क्या होता है, ये एक जनरल प्रोसीजर है। इसमें 5 फार्मूले हमें याद है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आयलर मेथड में कैलकुलेशन मैंने अपने हिसाब से 100% एक्यूरेट की हैं। सो बेसिक कंसर्न हमारा जस्ट फार्मूले से होना चाहिए। सो इनकेस अगर कहीं भी कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, कहीं भी कि मैंने कि प्लस गलत किया माइनस गलत किया, सो बता दीजिएगा, ठीक है। और हमने टेलर सीरीज मेथड डिस्कस किया, ये तीनों मेथड आयलर मेथड, टेलर सीरीज मेथड, रेंज क्यूटा मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पे है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले मेथड्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल बेसिक एनालिसिस यही है कि ये फार्मूलाज पे डिपेंड करती है, फार्मूले आगे तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो इसी तरह के मैं और इजी कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँ, सो आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो।
किसी ने मेरे से पूछा था कि उनको मेरी वीडियोस के लिंक नहीं मिल रहे। सो मैं तकरीबन 2-3 ग्रुप्स में हूँ, वो मेरे ग्रुप्स हैं। सो मैं लिंक नीचे शेयर कर देता हूँ अपने ग्रुप का, जो ज्वाइन करना चाहता है बता दे। बाकी MTS 603 की ट्यूशन भी चल रही है ऑनलाइन, सो अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हो सो आप लोग आ सकते हो। क्लासेस इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।